असलम कम, आज का ब्लॉग करते हैं हम शुरू। ये मैंने आपको दिखाना था कि जायशा का जो है ना, जायशा EYS 2 में है, जिसको KG कहते हैं। और जायशा को प्रोजेक्ट मिला था सीजन्स पे, 4 सीजन्स पे। तो ये हमने स्प्रिंग का बनाया सीजन। इस तरह के प्रोजेक्ट्स बच्चों को मिलते रहते हैं। ये देखें, ये हमने ग्रास वगैरह ये काट के सारे, ये बटरफ्लाइज, फ्लावर्स, लीव्स, हनी बी, फिर ये लेडी बग, बर्ड्स, ये भी बर्ड्स हमने आए हैं। ये ब्रांचेस हमने काट के ये पेंट कर ली थी और इसको हमने सारा फिक्स किया है इसके ऊपर। ये ने अभी ने और ये बन गया हमारा। ये कौन सा सीजन है? स्प्रिंग। नेक्स्ट दिखाओ। ये देखें, ये लीव्स हमारे, ये भी हमने इसी तरह कट आउट काटा था। इसका थोड़ा सा हमने कलर पेल सा रखा है क्योंकि ये ऑटम है, तो ऑटम में सारा कुछ ड्राई हो जाता है। ये भी ग्रास भी सारा जो है ऑरेंज हो गया है। ये हमने नीचे लगा दिया था सिर्फ अच्छा लग दिखे, और ये कंट्रास्ट के लिए ये लीव्स 2 टाइप्स के हमने काट के ये भी पेस्ट कर दिए थे। इसमें हमने मार्कर से सारे बना दिया था। और ये कौन सा सीजन है जायशा? ऑटम। नेक्स्ट लेकर आओ। अब ये हम लोगों ने बनाया विंटर का। ये हमने स्नोमैन बना लिया था, ये कट आउट काट के इसको कलर कर लिया था। ये हमने कॉटन लेके उसके बॉल्स बना ली थी। यहाँ पे भी हमने कॉटन लगा दिए, ये नीचे वाइट चार्ट पेपर स्नो इफेक्ट देने के लिए। ये हमने पेंट करके ब्लू कर लिए थे और ये वाइट एज इट इज रहने दिए थे, बादल बना लिए थे। और ये भी क्या कहते हैं, नीचे ब्रांच काट ली थी। और नेक्स्ट दिखाओ जायशा। अच्छा, ये हमने बनाया है समर। समर में हमने थोड़े से बर्ड्स बना दिए, ये हमने ड्राई किए थे। ये लीव्स काट दिए, ये एप्पल्स हैं, ये सन बना दी है और ये ब्रांच लगा दी थी। ये हमने लगाई हुई है शीट नीचे, फॉर्मिंग शीट इसे कहते हैं। तो ये मिल जाएगी आपको किसी भी से, लीव्स हैं। अच्छा, ये आर्मी पब्लिक स्कूल में जायशा का मैंने बनाया था पहले भी एक व्लॉग, उसमें मैंने बताया था इस तरह के। वैसे तो हर स्कूल में इस टाइप के आर्ट प्रोजेक्ट्स होते ही होते हैं। तो ये कटआउट्स वगैरह, ये मुझे मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड काम किया था, तो 8 घंटे में ये मैंने बनाया। कुछ शेप्स मैंने एक दिन पहले बनाई हुई थी, बस उनको मैंने काटा था। तो ये इस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जब भी आप इस तरह के प्रोजेक्ट बनाएं, 1-2 दिन में बनाएं और थोड़े कटआउट्स पहले काट के ड्रॉ करके काट के रख लें, क्योंकि छोटे छोटे इन चीज़ों पर बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट डे आप पेंटिंग का, फिक्सिंग का सारा काम कर लें, क्योंकि मैंने ये थ्रू आउट बनाया था 8 आवर्स लगे थे। और अभी इनमें से काफ़ी चीज़ें मैंने ड्रॉ करके रखी हुई थी लेकिन काटी मैंने कर ली थी सारी। तो ये जो था हमारा प्रोजेक्ट था, एक दिन हमने मटेरियल क्लिक करने पे लगाया, अगले दिन हमने कुछ नहीं किया। अगले दिन मैंने कुछ चीज़ें ड्रॉ करके रखी थी और कल हमने थ्रू आउट सारी ये कटिंग, बर्ड्स, ये प्लांट्स वगैरह ब्रांचेस सारी कटिंग, पेंटिंग, पेस्टिंग सब कुछ हमने कल किया। तो आप कमेंट्स करें कि आप लोग इस तरह के प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कितने दिनों में बनाते हैं, और अपने आइडियाज़ भी शेयर कीजिएगा हमारे साथ।